एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएं। और बहनों, आज मैंने कोई व्लॉग वीडियो नहीं बनाई है, बस मन किया कि आज मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूं और आप सबको एक सुंदर सा भजन बिल्कुल आमने सामने बैठकर सुनाऊं। वैसे रूटीन तो मेरा सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। पहले मैं 5:30-6 बजे उठ जाती थी, लेकिन आजकल विशाल के पापा जी और दोनों बच्चों के लिए मुझे मौसमी और अनार का जूस बनाना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर मैं थोड़ा और पहले उठती हूँ। सोने का टाइम तो वही है, लेकिन उठने का थोड़ा और जल्दी करना पड़ रहा है कि भाई थोड़ा और जल्दी उठ के और 5 बजे तो मतलब काम शुरू हो जाए, तब जाके काम टाइम पे निपटता है। कुछ गर्मी इतनी होने लगी है कि हालांकि घर के अंदर अंदर काम करना है, बाहर तो नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी जब वो बाहर धूप दिखती है ना, तब ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई है। 7:30-8 बजते ना, तब ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई है और काम ऐसा बिखरा पड़ा है, तो मन में ना एक अंदर से बेचैनी सी हो जाती है कि ये भगवान सारा काम पड़ा है और दोपहर हो गई है। सर्दियों में वही 8 बजे लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसे बस सुबह सुबह है। अभी लाला को भी आजकल मैं 7 बजे जो है जगा देती हूँ, कभी कभी तो 7 बजने में 5-10 मिनट होती हैं तभी मैं जगा देती हूँ और टाइम से स्नान इत्यादि करके भोग लगा के फिर आरती करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बस वीडियो क्लिप निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि रूटीन तो वही है डेली का, भाई कुछ उसमें चेंज तो होता नहीं है। रोज का वही उठना, वही जूस निकालना, फिर रसोई के काम संभालना, मतलब नहा धो के लग जाती हूँ रसोई के काम में, बिना नहाए तो रसोई में मैं जाती नहीं हूँ, नहा धोकर ही अपनी रसोई बनाती हूँ। और गर्मियों में ना नहाने का भी काम ज़्यादा ही बढ़ रहा है भाई, क्यों पसीना आता है, 2 बार 3 बार हो जाता है रोज का नहाना, क्योंकि एक बार जैसे सुबह सुबह नहा धो के रसोई में लग जाती हूँ काम पे, फिर खाना वाना बनता है ना, इतना पसीना हो जाता है, सारे शरीर में चिपचिप होने लग जाती, फिर नहा के आओ और फिर शाम की रसोई बनती है, तब फिर इतना चिपचिपाट हो जाता है सोने से पहले, फिर नहा के सो। सर्दियों में कम से कम ये झंझट तो नहीं रहता, एक बार नहा धो के फ्री हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये काम भी बड़ा ही रहता है। लेकिन भाई गर्मियों का अपना मजा है, सर्दियों का अपना मजा है, हर मौसम है, ये हमारा देश ही है कि जहाँ पर सारे मौसम होते हैं। तो बहनों, आज मैं आप सबको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी और आमने सामने बैठ के सुनाऊंगी। हालांकि मुझे जो भजन के बोल होते हैं ना, वो सारे याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने अपनी एक कॉपी बनाई हुई है, इसमें लिखे हुए हैं। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो अपना कुछ गा लेती हूँ, कोई गायक तो हूँ नहीं, कुछ ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन आप सब बहनों के साथ जो एक तालमेल सी बनी हुई है ना, उसके कारण फिर मैं आप सबको भजन सुना देती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर ना कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है, कुछ नहीं है भाई, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जीरो है हम सब, कुछ नहीं है भाई। औरों का तो मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, कुछ नहीं है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा की कृपा से ये कोशिश करती हूँ कि हाँ कोई भजन अपने कान्हा जी को सुनाऊँ या आप सबको सुनाऊँ। तो चलिए, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे, हरि भजन बिना मुक्ति न पावे। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे, हरि भजन बिना मुक्ति न पावे। जैसे कई पानी पे छाई, जैसे कई पानी पे छाई, वैसी ये कई मेरे हृदय पे छाई, वैसी ये कई मेरे हृदय पे छाई। पानी की काई न पवन हटावे, पानी की काई न पवन हटावे। मेरे हृदय की काई मेरे गुरु जी हटावे, मेरे हृदय की काई मेरे गुरु जी हटावे। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से रियावे,
हरि भजन बिना मुक्ति न पावे। जैसा अंधेरा कोठे में हो रया, जैसा अंधेरा कोठे में हो रया, वैसा अंधेरा मेरे हृदय में हो रया, वैसा अंधेरा मेरे हृदय में हो रया। कोठे का अंधेरा दिए से हटावे, कोठे का अंधेरा दिए से हटावे, मेरे हृदय का अंधेरा मेरे गुरुजी हटावे, मेरे हृदय का अंधेरा मेरे गुरुजी हटावे। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे, हरि भजन बिना मुक्ति न पावे। जैसा अंधेरा कमरे में खिंडास है, जैसा कूड़ा कमरे में खिंडास है, वैसा ए कूड़ा मेरे हृदय में खिंडास है। कमरे का कूड़ा तो झाड़ू से हटावे, मेरे हृदय का कूड़ा मेरे गुरुजी हटावे। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से रियावे, हरि भजन बिना मुक्ति न पावे। राधे राधे। तो बहनों, आप सबको ये भजन कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और भजन के जैसे बोल हैं कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे, हरि भजन बिना मुक्ति ना पावे, तो ये बात सत्य है। गुरु बिना, संतों के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता है। हम बिल्कुल एक अंधकार में जी रहे होते हैं, जब हमें संतों का सानिध्य मिलता है, संग मिलता है, गुरुवाणी मिलती है, तब कहीं जाकर हमें थोड़ा बहुत प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं होती है कि हम हर बात को समझ सकें। ये गुरु ही हमें समझाते हैं, संत हमें समझाते हैं, संतों के बताए हुए मार्ग पर जब चलते हैं ना, तब हमें आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। और जब तक हम हरि का भजन नहीं करते हैं, परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं, तब तक मुक्ति का द्वार नहीं खुलता है। फिर जैसे भजन के बोल हैं कि जैसी काई पानी पे छाई, वैसी काई मेरे हृदय में छाई। तो जैसे पानी के ऊपर एक हरे हरे रंग की परत जम जाती है ना, और नीचे पानी होता है लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, हमारा जो हृदय है ना, इस पे ऐसी काई जमी हुई है, जबकि ये परमात्मा का स्थान है। और ये जो काई है, ये गुरु ज्ञान बिना नहीं हटती है। फिर आगे आता है कि जैसा अंधेरा कोठे में हो रहा, वैसा अंधेरा मेरे हृदय में हो रहा। कोठा होता है कमरा, एक पहले वो जैसे मतलब कमरे के अंदर कमरा होता है ना, उसको कोठा बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गहरा गहरा सा अंधेरा होता है। जब तक उसमें लाइट नहीं जलाएंगे, दिया नहीं जलाएंगे, तब तक उसमें रोशनी नहीं होती है। ठीक उसी तरह से हमारा ये हृदय जो है, हमारा जो मन है, ये विषय विकारों से भरा पड़ा है। जब तक गुरु के बताया हुआ मार्ग हमें नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरु की जो है हमें आशीष नहीं मिलेगी, तब तक हमारे हृदय में ये विषय विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये इतना घर बना लेते हैं कि हमें इनसे छुटकारा ही नहीं मिलता। और इनसे छुटकारा मिले बगैर परमात्मा की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। तीसरा है कि जैसा कूड़ा हमारे कमरे में खिंडा होता है ना, उससे भी कहीं अधिक हमारे हृदय में बिखरा पड़ा होता है। आप कभी जांच करके देख लेना, हृदय मतलब हम अगर मान लें राम राम भी कर रहे ना, तो मन कहीं और भागेगा, कुछ ना कुछ विचार इकट्ठे करके लाएगा। क्यों करके लाएगा? क्योंकि वो हृदय में होते हैं। इसीलिए हृदय जो है विषय विकारों से, काम क्रोध से बहुत भरा पड़ा है। हर कोई एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का भरा पड़ा है ये, तो ये गुरु के बिना संभव नहीं है। तो बहनों, ये सारा इस भजन का सार है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे, हरि भजन बिना मुक्ति ना पावे। तो आज बस मन था कि आप सब बहनों के साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात की जाए और आप सबके साथ एक सुंदर सा भजन शेयर किया जाए। भजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और भाई, गर्मी ज़्यादा होने के कारण बस रूटीन आप सबके साथ शेयर नहीं हो पाता है। गर्मी इतनी होती है, मार के मंडासा, और सुबह सुबह लग जाती हूँ काम को समेटने में, कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी करके इसको समेट दूँ और काम से फ्री हो जाऊँ, तो बस भाई चैन आए। और अब तो दिन में भी ऐसी चलाना पड़ता है, रात को भी चलाना पड़ता है, लेकिन भाई चलाते एक ही रूम में, दिन में बच्चों वाले रूम का चला लेते हैं, रात को अपने वाले रूम का चला लेते हैं, रात को यहाँ सारे सो जाते हैं। बच्चों वाले रूम में जैसे उनके कंप्यूटर वगैरह, दो तो कंप्यूटर सेट हो गए हैं, बाहर रखा था विशाल का, वो भी अंदर वाले रूम में सेट कर दिया है,
और फिर वहाँ पे हम सब की चारपाई सेट नहीं हो पाती हैं। तो रात को फिर यहाँ दो बेड हैं, एक चारपाई डाल दी और जहाँ मैं बैठी हुई डबल गद्दा करके डाला हुआ, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं भाई। बिजली का बिल भी बचाना पड़ता है, पहले ही बहुत ज़्यादा आता है। और तीन तीन ऐसी चलाएंगे एक सासू माँ के रूम में दो बच्चों का और हमारा, तो फिर तो काम नहीं चलेगा, तो दो में एडजस्ट करते हैं। तो चलो बहनों, बातें तो हो गई हैं बहुत सारी और आज की इस वीडियो का यही पर एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।